कल मौसम विभाग ने एक सूचना जारी की थी कि 48 घंटों में 50 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी और बारिश और ओले आने की संभावना है। इसके साथ ही कल शाम को अचानक मौसम का मिजाज बदला, तेज हवाओं का रुख शुरू हुआ और कल रात में लगभग काफी देर तक है वो तेज हवाएं चलती रही। फिर आज सुबह जैसे ही देखा आसमान में हल्के बादल थे, दोपहर में थोड़ी थोड़ी धूल भरी आंधी चल रही थी। जैसे ही 2 से 3 बजने के बीच आए एक तेज हवा के साथ तेज बारिश का दौर शुरू हुआ और तेज हवा इतनी तेज थी कि नवलगढ़ में काफी नुकसान हुआ। आपको बता दें कि नवलगढ़ नगर पालिका जो नवलगढ़ को उजाला करने के लिए अच्छे अच्छे सपने दिखाती थी, एक हेरिटेज लुक बनाने के सपने दिखाती थी, उसकी सारी की सारी लाइटें धराशायी हो गई। जब हम घूमचक्कर सर्किल से पुलिस थाने की ओर चले तो हमें पहली लाइट रोड पर पड़ी हुई दिखाई दी। जब लाइट को हमने देखा तो एक छोटे से ताबूत पर खड़ी थी, ना कि कोई भारी स्ट्रक्चर था। ये ऐसे धरे हुए हैं, उसको प्लास्टर किया नहीं हुआ है, ये गिरेगा। लगभग कितने का नुकसान होगा आपके अंदाजे? ये 1,25,000 रुपए का नुकसान होगा। इसका जिम्मेदार कौन? ये जो नगर पालिका है, इसको देखो, इसको यहाँ से देखो आप, कई बार आवाज उठाई कि नवलगढ़ नगर पालिका द्वारा जो पोल स्ट्रीट लाइट लगाई जा रही है, इनमें जो बीम पहले से स्ट्रक्चर जो भरा हुआ था उसी पे दोबारा पोल लगाया गया था। कई बार हमने आवाज उठाई लेकिन नगर पालिका ने इस मामले में संज्ञान नहीं लिया। एक बड़ी आंधी नहीं थी आज, एक छोटी आंधी थी, जिसमें हालात आप देख सकते हैं किस तरीके से हो सकते हैं। ये गाड़ी एक तो ये है कि दुकानदारों से मैंने चर्चा की, ये बता रहे कि एक हादसा होते होते बच गया। ये पिलर थे जो भरे जा रहे थे, तब कई बार विरोध भी हुआ था इनका, पीछे जो पहले के स्ट्रक्चर इनको यूज में मतलब, लेकिन बार बार इनको स्ट्रक्चर को जो इतने भी स्ट्रक्चर थे बीम जिनको बोलते हैं इन्हीं को यूज लिया गया, जिसका परिणाम आपके सामने आप नजर आ रहा है। एक लाइट की कीमत है वो शायद मेरे हिसाब से कई लाखों में इसकी बताई गई थी। एक बड़ा बजट नगर पालिका द्वारा इसको दिया गया था लाइट में, जिसका परिणाम आपके सामने है। तो शायद हमने हमारे चैनल से पहले भी कह दिया था कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ रही है। आज नतीजा आप इसका देख सकते हैं कि किस प्रकार जो परिणाम इसके निकल के आए हैं। ये सारे लाइट गिरेंगे जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा अगर कोई गाड़ी आती तो कितना नुकसान होगा? बहुत गाड़ी, कितना नुकसान होगा? किसी की जान जा सकती थी, वो निकल गई गाड़ी, आगे पहले गाड़ी गई थी, 2 सेकंड पहले गई थी, मतलब ये बड़ा नुकसान होते होते बचा, लेकिन ये सरासर नगर पालिका की लापरवाही। तो ये कहीं एक लाइट नहीं है, मैं आगे की ओर चलूंगा तो कई ऐसी लाइटें आपको मिलेंगी जो आज की स्थिति में गिर चुकी है। ऐसी आगे बहुत सी लाइटें हैं, तो एक बार हमारे जो साथ थे उनसे कहूंगा कि आगे जो लाइटें गिरी है उनको भी दिखाएं आप लोग। तो हादसा होने के बाद अभी भी नगर पालिका के कोई भी कर्मचारी या नगर पालिका को कोई प्रशासन इनको देखने भी नहीं पहुंचा है। कई साधनों की आवाजाही में प्रभावित है वो हो रही है, लेकिन प्रशासन का भी कोई आदमी ने कोई क्षतिपूर्ति को देखने के लिए नहीं पहुंचा। ये नगर पालिका की जिम्मेदारी बनती है। तो जिस प्रकार ये रखे गए थे शायद वो आपको नजर आ रहे कि ये पुराने स्ट्रक्चर थे जिन पे ये बीम है दोबारा घिसे गए थे पोल, इनकी आज नतीजा आपके सामने आ चुका है। हमने सोशल मीडिया पे पहले भी अवगत कराया था कि नगर पालिका ये जो चीज़ें कर रही है वो सरासर गलत है, जिसका परिणाम आपके सामने आज नगर पालिका के कई लाइटें आज टूटी हैं। कल जो आंधी आई थी उससे भी ज्यादा इसका सोटा था या कल वाली आंधी थी? कल तो इससे भी बड़ा कल कमजोर थी, लेकिन आने वाले दिनों में, लेकिन ऐसी स्थिति अगर ऐसी हवाएं के बाद में भी अगर ऐसी नुकसान होता है तो ये नगर पालिका के लिए सबक है और नगर पालिका को सीख भी लेनी चाहिए इससे। ये तो एक दो पोल की बात है, आज कुछ मैं बता दूं जिस प्रकार का इनका कार्य किया गया था आने वाले समय में एक बड़ा नुकसान होगा। ये 3 और 4 नंबर की लाइटें आप देख रहे हैं, दोनों पास पास में गिरी हुई है और ये गिरी हुई है जयपुरिया हॉस्पिटल के सामने। ऐसे ही लगभग 4 लाइटें हैं वो नवलगढ़ में गिरी हुई है। अब इन गिरी हुई लाइटों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं और इनके बीम को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नगर पालिका ने कितना अच्छा कार्य किया होगा और कितनी मजबूती से कार्य किया होगा, जो कि कुछ ही समय में आपको रोड पर पड़ा हुआ नज़र आया। शायद इस हवा में ये लाइटें नीचे गिर सकती है, तो आने वाले समय में पूरा मानसून का समय है वो बाकी है और हवाएं तूफान है वो तेज होने वाले हैं, तो उस समय इन लाइटों का क्या होगा? क्या नगर पालिका प्रशासन अब इन लाइटों का करेगा? क्योंकि ये 4 लाइटें गिरी है लेकिन अभी बहुत सी लाइटें रोड पर खड़ी है। आने वाले समय में अगर तेज तूफान आएगा तो उनका भी खतरा बना रहेगा, कोई ना कोई जन हानि होने का भी नुकसान खतरा बना रहेगा। देखते हैं नगर पालिका किस तरह से इस पर कार्य करती है। Thank you.
कई तूफान से काफी नुकसान हुआ, आप देख सकते हैं जो पुलिस थाने के सामने सिनेमा हॉल के पास जो एक होर्डिंग लगी हुई थी ऊपर, शायद कच्ची होने की वजह से वो आज जमीन पर आ गिरी। और आपको बता दें कुछ दिन पहले एक ऐसा ही हादसा मुंबई में हुआ था जिसमें काफी लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। ऐसी कच्ची दीवारों पर होर्डिंग लगाना शायद गलत है। आपको बता दूं कि आज तूफानी बारिश, इतनी तेज बारिश थी और उसमें कई नुकसान हुआ है। जैसे आप देख पा रहे हो कि हीरो शोरूम के ये दो शीशे वो भी टूट चुके हैं और ये होर्डिंग यहाँ पर लगा था सिनेमा हॉल के पास वो भी नीचे गिर चुका है। यहाँ पर कोई नहीं था वरना हो सकता था बड़ा हादसा। और इसी के साथ आप चक्कर से पोदार कॉलेज की रोड है उसमें भी चार लाइटें गिरी हुई है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस प्रकार नुकसान हुआ है और कितनी तेज़ बारिश थी। इसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि और भी कई जगह बड़ा नुकसान हुआ होगा और ये बिजली के जो तार खंभे के आ रहे हैं वो भी नीचे झुक गए हैं, काफ़ी नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि नवगढ़ में जगह जगह आज तूफानी बारिश के कारण तूफानी तेज़ हवाओं के साथ ये बड़ा हादसा होते होते बचा है और नुकसान काफ़ी हुआ है। अगर शहर में ऐसे हालात बने हवा से, शहर में हवा है वो अपना रुख है वो कम कर लेती है, लेकिन आपको बता दें अगर गाँव में कैसी हालत होगी, क्योंकि गाँव में हवा है, पेड़ पौधे काफ़ी खुली जगह होगी, किसान होंगे, चांद छप्पर होंगे, और आप देख सकते हैं शहर में भी ऐसी स्थिति बनी है कि काफ़ी चीज़ें हम नीचे आ चुकी है, तो शहरों में स्थिति शायद इससे कुछ ज़्यादा होगी, पेड़ पौधे काफ़ी गिरे होंगे। आज हमने आपको सारी लाइटें दिखाई, एक अच्छे सपने दिखाए, उनमें काफ़ी लाखों रुपये का है वो नवलगढ़ नगर पालिका की वजह से नुकसान हुआ। हमने काफ़ी लाइटें दिखाई और फिर हमने आपको दिखाया सिनेमा हॉल के पास एक गिरा हुआ होल्डिंग। आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर शहर में इतना नुकसान हुआ होगा तो गांव में कितना नुकसान हुआ होगा और कितने पेड़ पौधे और बिजली के पोल गिरे हुए होंगे। लेकिन जो नवलगढ़ की बात अपन कर रहे हैं वो नवलगढ़ की सरासर नगरपालिका प्रशासन की गलती है, क्योंकि कोलम की जगह एक ताबूत की तरह छोटे छोटे बीम लगाए गए थे।